हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम खेलने जा रहे हैं डेथ पार्क। आज हम हाउस एस्केप करेंगे, फाइंड अ वे टू गेट योर फादर्स ऑफिस। तो सबसे पहले हमने रास्ता ढूंढना है फादर के ऑफिस का, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हम फादर के ऑफिस में कैसे जा सकते हैं। ये डोर लॉक्ड है। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये एक गुब्बारा एज यूजुअल यहाँ पे आ जाता है। इस पर क्लिक करके हम रियल वर्ल्ड और ख्याली दुनिया में हम जा सकते हैं। तो सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ शायद मिल जाए। फ्रिज के अंदर हमारे काम की कोई चीज़ यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हम इस वक्त किचन में हैं। किचन के अंदर मे बी कोई ऐसा आइटम हमें मिले जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला, तो हमें एक एक चीज़ को देखना है। यहाँ पे मुझे एक फ्लैश लाइट मिली है, ये अब आगे कहीं यूज़ होने वाली है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाश्ता नुश्ता पड़ा है यहाँ पर स्केल क्लाउन का। यहाँ पे एक टाइपराइटर पड़ा है जिसके ऊपर क्लिक करके हम गेम को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेम को सेव कर लेता हूँ। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। यहाँ पे एक डोर है, इस पर क्लिक करते हैं। ये भी लॉक्ड है। यहाँ पे एक अलमारी है, इसमें सर्च करते हैं, कुछ मिल जाए शायद। अभी खुल जा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक डोर है रेड कलर का। आई थिंक योर फादर कीप्स ट्रांसपेरेंसी इज सेफ। ओके, यहाँ पे एक नोटिस है, चार्ली आई लॉक द डोर, समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग इन द सिटी। I think I have seen some creepy creatures. I was urgently summoned to the museum. ठीक से यार पढ़ने भी नहीं दिया। तो ये फादर ने एक नोटिस छोड़ा था चार्ली के लिए, कुछ प्रिकॉशंस करने के लिए। इस नोटिस में बोला गया है कि शहर के अंदर कुछ अजीब गरीब हो रहा है, तो लिहाजा अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा ख्याली दुनिया में। यहाँ पे देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। हमने जाना है फादर के ऑफिस में, तो उसके लिए हमने रास्ता ढूंढना है। अब हम ख्याली दुनिया में आ चुके हैं। ख्याली दुनिया में ये डोर ओपन है, रियल वर्ल्ड में ये बंद था, लॉक था। चलते हैं नीचे। ओ गुड, यहाँ पे लाइट, वो जो टॉर्च हमें मिली थी फ्लैश लाइट, वो काम कर गई। तो यहाँ पर कुछ केबिन्स बने हैं। सामने एक चीज़ है, उसके ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही है। लेट्स सी कि क्या मिलता है। यहाँ से हमें पिस्टल की एमओ मिली है हमें। यहाँ पे दो तीन वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं, कुछ फर्नीचर पड़ा है पुराना सा। आगे कुछ बैटरीज वगैरह हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, केमिकल्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं जो हमारे किसी काम के नहीं लगते। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आगे भी एक चीज़ ब्लिंक कर रही है। अगेन हमें पिस्टल की एमओ मिली है। हमने जाना है फादर के ऑफिस तक, और उसके लिए हमने रास्ता तलाश करना है। यहाँ पे और एमओ मिली हमें, अभी तक तीन एमओज हमें मिल चुकी हैं। यहाँ पे एक और वॉशिंग मशीन है। ये क्या है भाई, कोई रैंच टाइप चीज़ है। रैंच ही मिला है हमें, हेक्स रैंच। यहाँ पे एक और रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं ये क्या कहाँ हमें ले जाता है। भूल भुलैया है यहाँ पे। ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये मज़ीद आगे जा रहा है।
जो दो दरवाजे हैं इसको ट्राई करते हैं, ये लॉक्ड है। ये दरवाज़ा यहाँ पे लिखा हुआ है डैडी, शायद ये डैडी का रूम होगा, बट ये भी लॉक्ड है। ऑफिस डोर, ये असल में ऑफिस है तो इसका डोर क्लोज है। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ बंद। यहाँ पे कोई एक मेडिकल किट पड़ी है लेकिन मैं इसको उठा नहीं सकता। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम का हो, तो रेंट जो था वो यहाँ पे नट्स वगैरह खोलने में काम आ रहा है। शायद यहाँ से हमें दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता मिल जाए। तो फाइनली एक रास्ता खुला है लेकिन मैं यहाँ से खड़े होकर नहीं जा सकता, बैठना पड़ेगा। फाइंड अ वे टू गेट योर फादर्स ऑफिस, फाइंड अ वे टू ओपन सेफ इन फादर्स ऑफिस। ओके, वो कहते हैं फादर ऑफिस में जाने का रास्ता तलाश करें, वहाँ पे एक सेफ है, वहाँ तक पहुँचें। यहाँ पे स्नूकर है जो मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पे अगेन बालून है, अगेन हमें एमओ मिली है, यहाँ पिस्टल की, यहाँ पे मेडिकल किट मिली है, टूटी फूटी चेयर पड़ी है, यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है, ये क्या चीज़ है। इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं ये क्या है। यार बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। ओह यार ये तो रोटेट होती है, ये पज़ल है। आई सी, ये भी मुझे समझ आया, ये कोई पज़ल है, पेंटिंग नहीं है। गुड, यहाँ पे एक नंबर बना है 5, इट मीन्स ये सारे नंबर्स हैं। इसको आप घुमाते जाएंगे तो ये नंबर्स बनते जाते हैं, तो इनकी हमें तरतीब ठीक करनी है। 8 और 5 बन चुके हैं, एक और नंबर बना है 3, तो 3 नंबर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं कि 4th नंबर कौन सा बनता है। गुड, 4th नंबर 4 ही बना है, तो यहाँ पे कोड बना है 3845। हो सकता है ये कोई कोड हो या ये डोर खुलता हो पज़ल सॉल्व करने से। डोर तो भाई अभी नहीं खोल रहा, पज़ल हमने सॉल्व कर लिए। मैं जाता हूँ रियल वर्ल्ड में, शायद कुछ कोई रास्ता निकल आए। तो मैं अभी रियल वर्ल्ड में हूँ, जगह वही है। ये क्या, इधर पहले जाल लगा हुआ था कुर्सी के साथ। मैं यहाँ पे गेम को सेव कर लेता हूँ। अभी जाल रियल वर्ल्ड में ये जाल नहीं है। एमओ मिली है, एमओ के साथ हमें सेफ भी मिल चुकी है, शायद यही सेफ हो जिसका बार बार जिक्र किया। यहाँ पे ये कोड मांग रहा है, कोड कौन सा यूज़ होगा। मैं वही कोड यूज़ करता हूँ जो पज़ल में बना था। लेट्स सी, कोड फाइनली सेफ खुल गई और हमें यहाँ से मिली है एक की, फ्रंट डोर की। ओके, शायद यही ऑफिस की हो। लीव होम टू फाइंड हेल्प फॉर लिली, हमने हाउस एस्केप करना है, हाउस से निकलना है, और यहाँ से निकलने का रास्ता वही फ्रंट डोर ही है। चलते हैं, ये बंद है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन फ्रंट डोर की तरफ जाने का रास्ता बंद है। ये तमाम डोर जो हैं अभी लॉक्ड हैं, ये ओपन नहीं हो रहे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ये डोर सारे बंद हैं, मुझे लगता है मुझे जो है ख्याली वर्ल्ड में जाना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ बालून पे और मैं वापस जाता हूँ ख्याली दुनिया में। तो गाइस मैं यहाँ पे ख्याली दुनिया में आ चुका हूँ, अभी ये जाल वापस आ चुका है। अभी ट्राई करते हैं शायद ये डोर खुल, ये तो नहीं खुल रहा, शायद और डोर खुल जाए।
फ्रंट डोर तक जाने का हमें रास्ता मिलेगा। तो ये डोर खुल चुका है, पहले ये बंद था। चलो इनको भी ट्राई करके देखते हैं, ये खुलते हैं। ये लॉक्ड है भाई, ये डैडी भी लॉक्ड है। तो यहाँ से ही निकलते हैं, मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ। यहाँ से हम जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ, जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। ठीक, फिर ऊपर यहाँ पे है फ्रंट डोर, लेकिन यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे लगता है कि मुझे बालून पे क्लिक करना होगा। ये फ्रंट डोर है लेकिन इसके ऊपर जाल लगा हुआ है, तो ये रियल वर्ल्ड में ही खुलेगा। तो रियल वर्ल्ड में जाने के लिए मुझे क्लिक करना है बालून। बालून फट गया इस बात का, ओह माय गॉड, ये क्या भाई, इतने सारे बालून। और साथ में मॉन्स्टर भी। इन आई फाइंड द राइट बालून टू रिटर्न टू। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बालून गए हैं। अब वो कहता है राइट बालून के ऊपर क्लिक करें। राइट बालून कौन सा है, अभी जल्दी करो, उससे पहले ही वो स्केरी क्लाउन आ गए और मुझे खा गया। यू आर डेड, दोबारा खेलेंगे। दोबारा से मैं उसी जगह जाऊंगा, यानी कि फ्रंट डोर जाऊंगा और वहां पे मौजूद गुब्बारे पर क्लिक करूंगा। उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से मैं आया था। काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये रास्ता, भूल भुलैया हैं जो मैं भूल जाता हूँ। तो वापस मैं आया बालून के पास, ओ फिर से फट गया, फिर से वही दरवाज़ा खुला और बहुत सारे बालून। अब भी वही बहुत सारे दुबारे हैं, हमें राइट वाला दुबारा चूज करना है। पता नहीं कौन सा राइट वाला दुबारा है, एक ही कलर है। फिर पहुंच गया भाई, लेट्स ट्राई अगेन। छोड़ना तो नहीं है भाई, इसको स्केप करके ही छोड़ूंगा मैं आज। ट्राई ट्राई अगेन, यू विल विन द रेस। इस फार्मूले पर मैं आज अप्लाई करूंगा और ये जगह मैं यहाँ से स्केप करके ही रहूँगा। काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब घोष टाइप जगह है। फिर वो गुब्बारे आ गए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और राइट वाला गुब्बारा क्लिक करूँगा। तो ट्राई करते हैं, ये भी गलत था। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ओ माय गॉड, इस स्केरी क्लाउन ने मुझे नहीं छोड़ा भाई। ये वाला ट्राई करते हैं, ये भी नहीं, ये वाला, ओ माय, ओ पहुँच गया, पहुँच गया यार, भागो यहाँ से निकल। ये वाला सारे ही समझ तो आने नहीं मिला यार, कौन सा ये वाला। ये फाइनल ट्राई है भाई, अब मुझे नहीं मरना है। इस मरतबा मैं राइट वाला बालून ही कलेक्ट करूंगा। आई होप मुझे कुछ समझ आई है कि मैंने कहाँ पे जाना है इस दफ़ा। जो पिछली मरतबा मैंने क्लिक किए, वो मैंने तीन मरतबा क्लिक किए, तीनों मरतबा रॉन्ग थे, लेकिन एक जगह पर एक गुब्बारा ऐसा था जिस पर मैं अभी तक क्लिक नहीं कर पाया। मैं अभी सीधा उसी जगह जाऊंगा, वो जगह कौन सी है, लेकिन वो गुब्बारे आ जाए
वो ये जगह है, किचन में जो गुब्बारे मौजूद थे उन पर मैंने क्लिक नहीं किया। तो इस वाले पे क्लिक करते हैं, अच्छा बच्चे इस दफा तो मैं निकल के ही रहूँगा। ये ओ भाई क्या कर रहा है, सीधे वाली बिना पिक्चर, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, सीधा किचन में चलो। किचन ये वाला क्लिक करते हैं शायद। वेल डन, तो फाइनली हमने राइट बलून लीव होम टू फाइंड हेल्प और ओके। तो अभी मैं जाता हूँ फ्रंट डोर की तरफ। तो फ्रंट डोर पे जाल अभी हट चुका है, यहाँ पे मैं वो की लगाता हूँ जो मुझे सेव से मिली थी। फाइनली गाइस हमने हाउस स्किप कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। बाय बाय।